स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हमने अर्लियर वीडियो में सर्कल का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सर्कल की दो इक्वेशन या दो फॉर्म का हमने जिक्र किया था। एन द सेंटर इस पॉइंट एच कॉमा के, लेट इट बी सी एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो इट्स इक्वेशन इफ आई टू कंसिडर आर टू बी रेडियस, then its equation is given by x minus h whole square y minus k whole square equal to r square. This is one form. Now इसी को जब हम expand करते हैं, ध्यान से देखें, तो हमारे पास ये टर्म आएगी 2xh 2yk taking r square towards the left side also plus h square plus k square minus r square, which is also said to be in this form 2gx 2fy, and this complete simplification is said to be c. So ye hamare paas circle ki equation expanded form mein ho gayi students. Here you will find up once we made comparison between the two equation. So here g is equal to minus h, k is f is equal to minus k, and this complete constant term after simplification reduces to c. अब हम यहाँ पर जैसे कि हमने वहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखा, जनरल इक्वेशन में देखा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में सेंटर एच के और रेडियस आ रहे हैं, तो इसी इक्वेशन से जी एफ सी की टर्म में हम रेडियस और आपके सेंटर देखेंगे। तो सेंटर हमारे अर्लियर थे एच और के, नाउ द वैल्यू ऑफ एच इज माइनस जी and the value of k is minus f. So if we made comparison of any circle with this equation, then center is at minus g comma minus f, and radius which is given by this formula r square h square plus k square minus c, or r will be under root. h को आप रिप्लेस कर सकते हैं या g स्क्वायर से, k स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं f स्क्वायर से, तो रेडियस विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन जानने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लेंगे सर्कल पर बेस्ड, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज पॉइंट वन की पूरे सेक्शन की क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन है, जब आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है and we need to find its center and radius, let me consider an example. Find center and the radius of the circle x square plus y square plus 4x plus 3y minus 8 equal to 0. तो सेंटर और रेडियस के लिए अभी जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा, तो उसी फार्मूले से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर इट विद आवर जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वंस वी मेड कंपैरिजन बिटवीन 1 एंड 2, देन वी विल फाइंड हियर 2g इक्वल टू 4 व्हिच विल गिव अस g टू बी 2, 2f इक्वल टू 3 that will give us f to be 3 by 2, and absolute constant term is minus 8. From these two we can get center, which is minus g minus f. So it means the given circle is centered at minus 2 comma minus 3 by 2. This point par to center hai, and its radius r, abhi humne recently formula padha hai, it is g square plus f square minus c. And we have found here the value of g and c after making comparison between 1 and 2. So g square which means 4, f square which means 9 by 4, and minus c is already negative minus 8. So once we do the simplification, final simplification, 8 and 4, 12 plus 9 by 4, after taking 4 LCM to get the root se bahar liya gaya, actually kha ja sakta hai. 12 4s are 48 plus 9, 57. So its radius will be root 57 upon 2 and center will be
minus 2 comma minus 3 by 2. Let me consider one more sum. आप इसे कॉपी कर ले या फिर एक और सम करते हैं. आपको दो ही तरीके के सवाल इस पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे. सर्किल की क्वेश्चन आपको गिवन है, उसके रिजल्ट बताने. और दूसरा क्वेश्चन, जब आपको सर्किल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑब्वियसली थ्री इंफॉर्मेशन आर नीडेड, क्योंकि सर्किल की क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वी नीड जी एफ एंड सी. तो आपको सर्किल की क्वेश्चन निकालनी है. बट बिफोर गोइंग थ्रू दैट आई विल कंसीडर वन मोर आर्टिकल. आपको एक सर्किल की क्वेश्चन गिवन है, लेट अस कंसीडर सर्किल की दिस वन. और एक पॉइंट गिवन है. अब वो आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, वेदर द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल और पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, पॉइंट आपको दिया हुआ है, यू कैन सपोज एनी पॉइंट, लेट इट द पॉइंट बी 2, 3. सो इन ऑर्डर टू डिसाइड 2, 3 लाइज आउटसाइड दिस गिवन सर्किल, पहले सर्किल के सेंटर निकाल लें 1, 2 और सर्किल की रेडियस निकाल लें. अभी हमने पढ़ा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इट इज रूट 30 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.1. नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस सीपी. इफ सीपी डिस्टेंस इज मोर देन रेडियस, देन क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी क्लियर पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्किल. इफ सीपी पॉइंट, इफ सीपी डिस्टेंस इज less than radius, then P lies inside the circle. And if CP equal to R, then point P lies on the circle. ये आपके पास एक क्वेश्चन इसी पर बेस था और बाकी सेंटर रेडियस वाले आपके क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स. अब इसमें एक ही केस बचा है जब आपको सर्कल के बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड यू नीड टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ सर्किल. उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.